Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. रैली निकाली गई जिसमें कि 5 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा हुए। यह रैली भाईंदर पश्चिम में निकाली गई और यह रैली रात में 3 से 4 बजे तक चलती रही, जिसमें कि लाउड स्पीकर का भी उपयोग किया गया और यह लाउड स्पीकर रात में भी बजते रहे। और यह रैली रात में भाईंदर वेस्ट के पुलिस चौकी के भी सामने। मेरा भाईंदर के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि वहां पर पुलिस के मौजूदगी में भी लाउड स्पीकर बजता रहा रात में और उसके बाद भी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि जब रात 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत लाउड स्पीकर बजाना गैरकानूनी है तो पुलिस वाले ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। यह कानून सिर्फ क्या हिंदुओं के लिए बनाया गया है? हम पर नवरात्रि के में भी हम पर रोक टोक किया जाता है। 8 और 10 बजे के बाद हमको लाउड स्पीकर के लिए रोक दिया जाता है, तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया? उनका इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाते हुए कहा कि मैं किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यहां चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे क्रिश्चियन भाई हों, लेकिन कानून कानून का काम। मयूर उजगांवकर जी, ये जो आज यहाँ पे रैली निकली है भाईंदर वेस्ट में क्रिश्चियन समुदाय का, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नमस्कार। विषय ऐसा है कि रात को मैं 11 बजे काश्मीर से आ रहा था, तो 11 बजे से लेकर मैं अभी आया, पार्किंग करके जा रहा हूँ भाईंदर पश्चिम तक। मैंने जाता तो देखा नहीं है, लेकिन काश्मीरा में मैंने 11 बजे देखा और अभी का समय बजा है 12। तो 12 बजे तक इनकी रैली गीतानगर पहुंची है। कुछ 5 से 7 हज़ार की संख्या, मतलब 5 हज़ार से कम हो ही नहीं सकता है, इतनी संख्या में ये लोगों का प्रार्थना चली। मेरा क्रिश्चियन समुदाय से या किसी मुस्लिम समुदाय से मेरा विरोध नहीं है। एक आचार संहिता लागू है, गुड़ी पड़वा का कार्यक्रम 9 बजे 8 बजे पुलिस हमको बता रही है बंद करो। हम कानून को पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमने 8 बजे बंद कर दिया। अभी आगे चलिए हनुमान जयंती आ रही है, रामनवमी आ रही है, क्या हम लोगों को भी 5 हज़ार की संख्या में रात को 12 बजे तक का प्रवंग मिलेगा? नहीं, हम भारत के संविधान को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 बजे बंद करने का है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो मेरे क्रिश्चियन भाइयों से निवेदन है कि 10 बजे के बाद वो इस तरीके के कार्यक्रम की कार्यक्रम को चालू ना रखें। जैसे 5 हज़ार से 7 हज़ार इनके 4 स्पीकर चल रहे थे, 4 स्पीकर है, उनके लाइट्स है और आचार संहिता सबके लिए लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट है, आचार संहिता है, ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सबके लिए, सिख जैन सबके लिए है। तो कृपया सभी भारतीय इनका पालन करें, करना कई बाकी लोगों को यह ना लगे कि असहिष्णुता चल रही है और असहिष्णुता चल रही है, हमारे पे दबाव है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत सरकार है, मुझे भारतीय प्रशासन पे पुलिस वालों पे पूरा भरोसा है। लेकिन 12 बजे तक का कार्यक्रम है तो थोड़ा आप भी पुलिस वालों को सहयोग करें और खुद पुलिस वाले भी इन पर जो कानून कार्रवाई बनती है कृपया पुलिस वाले करें, ताकि बाकी की जनता आपके ऊपर आरोप न लगाए।